तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिदेश गेमर, रिदेश गेमिंग वर्ल्ड से। सो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। जी हाँ गाइस, माइनक्राफ्ट या फिर कोई कहता है माइनक्राफ्ट या फिर माइनक्राफ्ट। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कैरेक्टर, उसका नाम मैंने रख दिया है रिदेश। और गाइस, इसके साथ अभी तक मैंने साइन इन नहीं किया है। और गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, इसके अंदर भी मैंने मेरा एक वर्ल्ड बना लिया है और वो वर्ल्ड काफ़ी मज़ेदार है। हम लोग इसे मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। ऊपर से ये जो क्यूब क्राफ्ट ऑनलाइन करेक्ट पिन, वो सब, मतलब वो सब गाइस, बाकी की चीज़ें उसे छोड़ दो। पर गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। आपको दिखा देता हूँ सेटिंग। और आज हम लोग कोई फ्री फायर नहीं गाइस, बल्कि माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, हाउ टू प्ले में आप लोग देख सकते हैं कैसे खेलते हैं इसे, वो सब। और उसके बाद इन्वेंटरी, क्राफ्टिंग, और फिर क्राफ्टिंग के बाद में आप लोग एक देख सकते हो रेसिपी बुक, उसमें कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। और गाइस, मैंने इसके अंदर घर बनाया है। एक फ्री फायर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके अंदर घर बनाने वाले हैं, और मैं जल्द ही माइनक्राफ्ट का वीडियो लाऊंगा। और गाइस, आज वो दिन है जो माइनक्राफ्ट का वीडियो आने वाला है, और आज आएगा माइनक्राफ्ट का वीडियो। और गाइस, चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ गाइस, लोडिंग हो रहा है। और गाइस देखिए, गाइस रिदेश गेमिंग वर्ल्ड, आप लोग इसको देख सकते हो, मैंने पूरा सर्वाइवल रखा है, ना ही क्रिएटिव में। क्रिएटिव में जाकर मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाइस उसमें मेहनत नहीं है ना, इसलिए। और आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में वर्ल्ड परफॉर्मेंस, मुझे तो मोनेस्टर वो सब कुछ है। गाइस आप लोग देख सकते हो सिमुलेशन डिस्टेंस 18 चक्स, भाई छोड़ो इसको। और गाइस, जो मेरी सीट है वो है 20613721175, फ्रेंडली फायर ऑन ही है गाइस। पर ये मल्टीप्लेयर के लिए होती है ये सब चीज़ें, चैट्स वो सब, एक्टिव चैट्स, चेस्ट तो एक्टिव है ऑलवेज डे, वो सब मैंने बन, डू डे लाइट साइकिल, कीप इन्वेंटरी गाइस, वो सब कुछ ऑन है, सब कुछ ऑन है गाइस। और इसके साथ आप लोग देख लो प्ले बेटा वो सब, ओके। यानी जो हमारा है इसे कहते हैं, वो है हमारा वर्ल्ड। सो रिदेश गेमिंग वर्ल्ड वर्ल्ड का नाम है मेरे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और अगर मल्टीप्लेयर खेलना है तो गाइस मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मैं जल्दी लॉगिन कर दूंगा। तो गाइस, आपको मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, इसमें एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज का है वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और गाइस, ये जनरेटिंग वर्ल्ड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और गाइस, ये थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू होने के लिए, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, पर ये जल्द ही शुरू हो जाएगा आई होप। और गाइस, जो माइनक्राफ्ट है वो मैंने डाउनलोड किया है गाइस, जैसे हर लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे सब डाउनलोड करते हैं, वैसे ही मैंने भी किया है। और देखिए गाइस, हमारा जो माइनक्राफ्ट का गेम है ना, वो शुरू हो चुका है। ये हमारे पास तलवार है, ये कुछ चेट से, यहाँ पर बेड है, रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। और गाइस, ये जो चेस्ट है इसमें मैंने कुछ सी डायमंड वाली चीज़ें डाल दी, और इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे पास ब्रेड भी गाइस बहुत सारे हैं, और इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये क्राफ्टिंग टेबल है, क्राफ्टिंग टेबल अभी आप लोग देख सकते हैं। और अब निकलते हैं हमारे घर के बाहर, और ये है हमारा घर। यानी मैं एक गाइस इसमें सरप्राइज आप लोगों के लिए, जो आप देखने वाले हो। और ये मैंने गाइस घर नहीं बनाई, मैं एक विलेज, बहुत टाइम से मैंने एक विलेज ढूंढा, और फिर जाके गाइस आपको बता देता हूँ। ये गेम में लगभग, यानी गाइस वैसे मैं फ्री फायर खेलता था, तो मुझे माइनक्राफ्ट खेलने का इतना टाइम नहीं मिलता था, पर मैं दिन में गाइस मिनिमम 15 मिनट तो माइनक्राफ्ट खेलता ही था, उसके बाद आधा घंटा तो मैं फ्री फायर खेलता था, यानी अगर टाइम मिलता था मुझे तो। हाँ गाइस, और माइनक्राफ्ट को गाइस मैं थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते मुझे मिनिमम 2 वीक हो गए हैं, यानी 2 हफ्ते हो चुके हैं, और मैं अभी भी इसी में ही खेलता हूँ। यानी मैं अब जो गेम प्ले कर रहा हूँ वो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, माइनक्राफ्ट का गेम प्ले। और यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल, और गाइस देखो, जैसे मैं घंटी बजाऊंगा ना, सब विलेजर है ना, अंदर चले जाएंगे। देखो भाग रहे, देखो गाइस कोई नहीं दिखेगा इधर, और बाद में हम लोग घर पे जाके देखेंगे। ओके, थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। अरे भाई बच ना, बचता क्यों नहीं, ओपी तो गाइस नहीं बच रहा है अभी, पता नहीं क्यों, चेक करेंगे। देखो गाइस, हमने टंग 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 करके बचा तो दिया है घंटा। अब देखो यहाँ तो पर तो कोई भी नहीं है, और आई होप गाइस इसी घर के अंदर है। ये देखो आप ही बाहर आ गई, ये लोग
और गाइस ये बंदे ना जरूर मतलब घर में जाके सीधा बैठ जाते ये लोग, ओके देखो ये आदमी इसके अंदर है चाचा। गाइस ये ट्रेड करने को बोल रहे हैं, देखते हैं ट्रेड करने के लिए क्या है। एक स्टिक से ये 100 देगा और एक एम्ब्रॉयड से ये एक ये देगा 16 ये देगा। मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है बाबू, ओके तू मजा कर सो मस्त। और गाइस जो ये पानी है वो मैंने ही लाया है यहाँ तक, यानी बहुत मज़ा आता है। और तब तक के लिए थोड़ा सा हम लोग वाटर मिलन तोड़ देते हैं, ओके गाइस ऐसे मैं तो इसे कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इन्वेंटरी बहुत फुल है। जो भी विलेजर रहेगा उसके नजदीक में होएगा वो लेगा। और यहाँ पर गाइस ये विलेजिंग करते वो सब। और जो सरप्राइज है यानी जो गाइस सरप्राइज है आपके लिए, आप लोग देख सकते हो ये है मेरा विलेज जो कि मैंने ढूंढ लिया था 2 हफ्ते पहले। जैसे मैंने गाइस गेम डाउनलोड किया था उसके ठीक 5 मिनट बाद ही मुझे विलेज मिल गया। और गाइस इसका एक मेन जो हिस्सा है वो इसका मैप देखो गाइस, तो यहाँ पर मैप पे गाइस मुझे मिला हुआ और इससे मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और मुझे मिल जाते विलेज। क्योंकि जो गाइस मेरा जो विलेज है ना आपको मैं दिखा देता हूँ, जो मेरे विलेज है ना गाइस वो यहाँ पर है। देखिए मैं कहाँ पर भी जाऊँ अगर मैं गाइस यहाँ पर भी गया ना तो यहाँ से मुझे सीधा पता है कि इस रिवर से सीधा यहाँ पर विलेज है। सो ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। और मैं वापस से जो स्टोन था मेरा वो ले लेता हूँ, कौन सा था चलो ये रख देते इस बार यहाँ पर। ओके गाइस तो मेरी इन्वेंटरी फुल है फिलहाल के लिए। तो और ये है गाइस कंपास, ओके सो ये कंपास मुझे बताती है कि आप हमारा विलेज कहाँ है। तो कभी भी गाइस ये डाउन की तरफ होता है ना मतलब यहाँ डाउन, तो यानी हमें इस साइड को जाना है। और हमें गाइस थोड़ी सी भूख लगी है इसलिए हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रेड खा लेते हैं। देखिए ऊपर देखिए खाना है गाइस, क्योंकि अगर आप नीचे देखिए खाओगे ना तो वो देखो ऐसा टूट जाता है, देखो ऐसा टूटने लगता है वो, इसलिए ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए। और गाइस जो सरप्राइज है वो आगे है क्योंकि इसमें जो देखो गाइस में स्वॉर्ड है उसमें मैंने अनब्रेकिंग और शार्पनेस फाइल लगाया हुआ है। और भागो बेटा भागो, देखो गाइस ये लोग कैसे भाग रहे हैं। और गाइस रात होने वाली है इसलिए हमें सोना तो पड़ेगा, पर हम लोग जाएंगे विलेज में और फिर जाके सोएंगे। और वो हम लोग गाइस जाएंगे पानी से। गाइस मैंने स्पेशल जो सरप्राइज है वहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने गाइस पानी का बंदोबस्त किया है और ये पानी हमें जल्द से जल्द पहुँचा देगा क्योंकि 3-2 मोर से अगर जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और पर गाइस हम लोग क्रिएटिव में तो खेल नहीं रहे हैं, हम लोग सर्वाइवल में खेल रहे हैं और ऊपर जाना मतलब कोई खाने की बात तो नहीं है इसलिए हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। और ये देखो इसका जो ये बटन है उस पर प्रेस कर रहा हूँ मैं, जाएंगे हम लोग जल्दी ऊपर जा रहे हैं। और गाइस जो ये नदी है ना वो मैं मेरे जो मैं आपको स्पेशल थिंग्स बताने वाला हूँ ना फ्रेंड्स, ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि आज क्या हुआ है। गाइस ये है आप सब लोगों का देखने वाला सरप्राइज, जी हाँ ये है गाइस। देखो मैंने घर बनाया है और गाइस इस घर को बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 दिन लगे और आपको देख आप लोग देख सकते हो गाइस में 2 दिन लगे मतलब पूरा दिन नहीं, अगर आपको हावर्स में बताऊँ तो गाइस ये घर बनाने के लिए मुझे पूरा 1 घंटा लगा। और इस घर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एकेशिया ब्लॉक से मैंने किए है, यानी इसमें जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है वो सब एकेशिया ब्लॉक से किया है। और नदी यहाँ पर पहुँचाने के लिए मैंने ही डाली थी, नहीं तो यहाँ पर नदी नहीं थी पहले। और गाइस ये विलेज के पास में ही इसे मुझे बहुत फ़ायदा पड़ता है। और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा ओपी वाला है, इसी बीच में मैंने छतनी बनाई है और मुझे छत की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैं छतनी बनाई, पर मैं बना दूंगा जल्द ही। ये देख लो गाइस जो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना ये सब प्लेट है यानी डोर प्लेट है। देखो जैसे ही मैं आगे जाऊँगा ना ये देखो दरवाज़ा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ देखो। हाँ अरे ओ अरे ओ भाई साहब छोड़ो कारपेट गाइस मुझे चाहिए, मेरे को मैं कारपेट को सर्च करता हूँ कारपेट मिल जा। सो गाइस इसे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, रुको मैं क्राफ्टिंग टेबल तो नहीं है मेरे पास बहुत हार्ड। गाइस क्राफ्टिंग टेबल हमें चाहिए, उसके लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बस हो गया भाई तू वापस आ जा। सो गाइस इसे मैं रख देता हूँ, हमारे 64 क्राफ्टिंग टेबल थे पता नहीं मैंने क्यों ये बनवाया आई डोंट नो, ओके सो 64 डाल दिए। और बाकी के जो ये है बाकी के बचे हुए कोई काम तो की चीज़ तो नहीं है ये,
और क्राफ्टिंग टेबल, और मैं इसके साथ एक काम कर लो, इसमें एक्सचेंज कर लेता हूँ। पर गाइज ये बेचारे इन लोगों के साथ पता नहीं अन्याय हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग गाइज जाके सो जाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पूरा घर। और देखिए गाइज मैंने यहाँ पर कितने सारे बेड लगाए, ये है कुछ सामने मैंने टीवी वीवी डाल दिया है, पेंटिंग वेंटिंग वो सब, और आप लोग देख सकते हैं क्या होता है। और बाजू में भी एक मैंने पेंटिंग लगा के रखी है। तो पहले हम लोग गाइज क्रिएटिव मोड में जाएंगे। ओके तो गाइज मुझे जाने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे क्रिएटिव मोड है, आप लोग देख सकते हो मेरे पास सब कुछ है, 64 वो है, ये वो बहुत सारे चीज़ें गाइज मेरे पास, और उसके लिए ये 5 मिनट में भी गायब हो जाएंगे, इसलिए मुझे इसकी चिंता नो फिकर नथिंग डर। ओके यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल। ये डाल दिया और ये जल्दी ही गायब हो जाएगा, इतना तो मुझे पता ही है। और उसके साथ गाइज ये बेड है ना, इस बेड को मैं इधर डाल दूंगा क्योंकि एकेशिया लॉक्स मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ ये क्राफ्टिंग टेबल को उधर ही रहने देते हैं। और गाइज आप लोग देख लो, जैसे हम लोग ये मतलब जैसे ही बटन पुश होते हैं ना गाइज, देखो गाइज ऐसे हम लोग इसे डाल देते हैं और इसे यहाँ से नहीं इसे ऐसे फूटते, जल्दी फूटता है। और गाइज देखो देखो सीधा मेरे को कैसे हो रहा है बिना क्लिक किए, आपको गाइस क्लिक किए भी आप जा सकते हो। देखो मैं ये क्लिक कर रहा हूँ इन्हें, पर मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैं यहाँ पर प्लेट लगा रखी है मैंने। और आपको मैं आप दिखाता हूँ मेरा घर, ये देखो गाइस मैंने पूरा कारपेट से ढक दिया है इसे, और ये काफ़ी ओपी लग रहा है। और गाइस और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, यही था आपका सरप्राइज जो मैं घर बनाया है मैंने। और गाइस इसे बनाने के लिए मुझे लगभग 1-1.5 घंटा तो लगा ही है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे रूम बनाए हैं, और कुछ हम लोग यहाँ पर और आज करने वाले हैं। वीडियो गाइस 11 मिनट का हो चुका है, 12 मिनट का होने वाला है। और गाइस ये और एक हमारे बेडरूम में रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट, यहाँ पर गाइस मैंने कितने बेड डाले थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाइस 7 बेड है। और यहाँ पर एक एंडर चेस्ट है, एंडर चेस्ट में आप जो भी डालोगे ना वो दूसरे वाले एंडर चेस्ट में चला जाएगा, आप लोग देख सकते हो ये वाला एंडर चेस्ट। और यहाँ पर मैंने एक स्टोन कटर भी रखा है जो कि स्टोन कट करता है। यहाँ पर एक पता नहीं ये गाइस कौन सी चीज़ें, ये चेस्ट है, और इसके बाजू में कुछ ना कुछ तो है और नहीं, ओ नहीं भाई ओपी गाइस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और ये लोग देख लो, ये देख लो क्या है, ये एनहैचिंग टेबल है कुछ तो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये रख देता हूँ स्टोर डाल में क्योंकि स्टोर से टूटा नहीं है, क्योंकि क्या है ना गाइस कभी कभी लैग हो जाते हैं तो हैंग हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ये कुछ मैंने यहाँ पर पेंटिंग लगा रखी है, ये टीवी लगा रखा है बड़े बड़े 3D LED वाले, और ये बॉन फायर 2 मैंने लगा के रखी है यहाँ पर। मुझे गाइस बॉन फायर मैंने लगाया इसलिए मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैंने देखो गाइस लाइट लगा के रखी है, और जब रात हो जाती है तब मैं यहाँ पर सोने के लिए आ जाता हूँ। इस बेडरूम में 2 बेडरूम है गाइस इसमें, और ये जो है वो हॉल है। और मैं इसमें गाइस और काफ़ी मतलब गाइस बहुत सी चीज़ें जो मैं अभी यहाँ इसमें ऐड करने वाला हूँ, यानी आप जब गाइस नेक्स्ट वीडियो आएगा ना माइनक्राफ्ट का, उसमें सब ये एकदम ऑसम ओपी लगने वाला है। और गाइस जो दूसरी सरप्राइज है वो है यहाँ पर। तो गाइस सोचो इसके नीचे क्या हो सकता है, हाँ सोचो क्या है अंदर, हो सोचो क्या है अंदर। सो गाइस आप अंदर जा रहे हैं, ये मैं ओपन कर देता हूँ। सो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है, और गाइस देखो नीचे सरप्राइज ही सरप्राइज डायमंड हो रहे, कितना सारा डायमंड है मेरे पास। और ये देख लो हाउ मच डायमंड आई एम हैविंग, यू नो इट बड़ी। हाँ यहाँ पर लगाया एक, यहाँ पर एक लाइट लगा देता हूँ, यहाँ पर एक लाइट लगाई, यहाँ पर एक लगाई, इधर एक लगाई, और थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग, यहाँ पर भी एक लगाई। इसे तोड़ना होगा, इससे तो नहीं टूटेगा ये, इससे टूटेगा मेरे ख्याल से नहीं, इससे भी नहीं, इससे टूट गया। ओके गाइस ये पूरी नेक्स्ट लेवल चीज़ है, इसे छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और गाइस देखिए ये चेस्ट, एंडर चेस्ट मैंने लगा के रखे है, ये है फर्नीस, कुछ फर्नीस है क्राफ्टिंग टेबल में, और यहाँ पर लगा दूंगा। ओके तो चेस्ट के अंदर गाइस कुछ चीज़ें हम लोग रख देते हैं जो कि काम की नहीं है, वो एक वुड प्लैंक रख देते हैं गाइस, ग्लास का कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर ओके ये डाल देते हैं, रोड स्टोन कोल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर लगा तो ले लेंगी। उसके साथ गाइस यहाँ पर मतलब बहुत सी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्राफ्टिंग टेबल भाई इतने क्या करूँ मैं। उसके बाद जो भी डिज़ाइन की ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन का भी कोई काम नहीं है,
और वाटर बकेट तो रख देता हूँ खुद के साथ, और चेस्ट भी यहाँ पर डाल दिया। नहीं चेस्ट की गई तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके तो एंडर चेस्ट रखता हूँ मैं मेरे साथ, और उसके साथ बेड इधर रखा, ये उधर रखा, और फिर इसके साथ एकदम ओपी चीज़ें हो रही है गाइस। डायमंड गाइस मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एमरल्ड रख दिया, एमरल्ड भी रख देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और बची ये इतने सब चीज़ें, और जो वहाँ पर पड़ी है ना गाइस क्राफ्टिंग टेबल, वो सब वो मैं अभी उठा लेता हूँ अगर होगी तो। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने ये कितना एडवेंचर भरा है, कितना मस्ती भरा है ये वीडियो। और यहाँ पर डायमंड ही डायमंड आपको देखने को मिलेंगे गाइस, मेरे पास बहुत गोल्ड है, बहुत डायमंड है, और आप लोग देख सकते हैं। और गाइस आपके लिए एक स्पेशल चीज़ आने वाली है, वो है बाहर की चेस्ट। ओके भाई क्या हो गया ये? हाँ ओके सो गाइस ये मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी एरा मेरा पांडू आकर इसमें अगर घुस गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैंने खिड़कियाँ बनाई हैं कुछ, और गाइस जहाँ तक मुझे पता था एक क्राफ्टिंग टेबल जो वहाँ पर पड़ा था वो गायब हो जाएगा। ओपी ओके गाइस, ओपी का मतलब ओवर पावर होता है। और गाइस एकदम ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और ये गेम गाइस ऐसा मतलब बनाया गया है ना माइनक्राफ्ट ने, जावा एडिशन कहे तो मोजंग कहे या फिर जावा एडिशन बेटा कहे या फिर मोजंग बेटा कहे, मतलब गाइस बेटा एक उनका ब्रांच है यानी जो कुछ भी है मुझे नहीं पता जो है वो है। और जो ये गाइस 64 है वो फिर एक बार मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये भी कुछ काम की चीज़ नहीं है, ये भी कुछ काम की चीज़ नहीं है, ये यहाँ पर डाली ये भी हुआ। और ये आप लोग गाइस देख सकते हो जो भी कुछ काम की चीज़ें नहीं है वो मैंने सीधा इसके अंदर डाल दी है। एंडर चेस्ट की मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जाऊँगा तो ले लूँगा। तो इसके अंदर गाइस मैं डाल देता हूँ एंडर चेस्ट भी, तो सब कुछ गाइस इसके अंदर सब कुछ मैंने मैनेज कर दिया है, सब कुछ अच्छा है, बेड भी है। और गाइस ये सब चेस्ट है, ये तो फर्निस है ना गाइस, आप लोग देख सकते हो ये फर्निस कहते हैं इसे, आप लोग इससे बना सकते हो। ये है एंटर चेस्ट, मतलब गाइस अगर मैं एक चीज़ इस एंटर चेस्ट के अंदर डाल दूंगा जैसे दिखाते हूँ, तो देखो ये ब्रेड मैंने डाल दिया। अब गाइस ये इस एंटर चेस्ट के अंदर डाला हुआ ब्रेड अभी इस एंटर चेस्ट में दिखेगा, देखो। यानी गाइस जो एंटर चेस्ट है ना, आप जितना भी एंटर चेस्ट आप बनाओगे वो आपको दिख जाएंगे। और गाइस इसमें कुछ कुछ क्रीपर्स होते हैं जिससे हम लोग अभी फाइट करके हमें आपको दिखा दूंगा। और गाइस जो मेरे विलेज उसमें जो गोलम थे वो तो मतलब गाइस मज़ा आता है खेलने में, और मैं गोलेम भी बना दूंगा। और देखो कितने सारे डायमंड और सब डायमंड ही डायमंड ही। ओके गाइस में भी मैंने बहुत खुदाई की है, और जो मेरा लेवल है वो 19 लेवल है। ये पहले मैं बंद कर देता हूँ। ओके गाइस तो देख लो मैंने बंद कर दिया, ये हमारे एकदम ओपी वाला घर है। आप लोग देख सकते हो कैसी वॉल लगाई है मैंने। ओके देख लो, और ये ऊपर भी मैंने कैसा ये सब डिज़ाइनिंग ये सब लगा दिए, पेन लगा दिए है गई जिसे ग्लास पेन कहते हैं, देख लो ये है ना इसे ग्लास पेन कहते हैं। और ऊपर से जो ये पेंटिंग है यानी टीवी बीवी वो सब मैंने लगा दिया है, टीवी है। ओके और इसके साथ आप लोग और देख सकते हो इतना सब कुछ हो चुका है। ओ अरे यार ये तो क्या हो गया, अरे यार कुछ क्यों ऐसा करता है गाइस। मुझे लगता है हमें इससे जो ये इशू होता है ना गाइस, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर इसे हम लोग क्रिएटिव मोड में जाके इसे सॉल्व किया जाता है। अरे यार क्यों नहीं हो रहा ये, व्हाई इट इज हैपनिंग आई डोंट नो गाइस। ये सर्वाइवल रह गया। ओके देखो ये देखो गाइस क्रिएटिव में जाके कितना हमारा घर ऑसम ओपी क्या कहे वो सब लग रहा है। यहाँ पर बाहर मैंने एक बेड डाल के रख दिया है, और ऊपर से अगर हमें यहाँ पर छत बनानी है ना गाइस तो मैं छत भी बनाने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा आप लोग देख लो, मैं मतलब बना दूंगा छत, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। थोड़ा सा मैं अभी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, पर इसमें छत बनाने के लिए ना गाइस हमें क्रिएटिव मोड में जाना ही जाना है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें क्रिएटिव मोड में नहीं जाएंगे ना तो मतलब कोई नहीं बना सकते हैं, पर क्रिएटिव मोड में थोड़ा सा आसान होगा। तो मैं इसमें थोड़ी सी आपको इसकी छत बना के दिखा देता हूँ, और इससे मतलब बहुत मज़ा आएगा। और गाइस ओपन मतलब ओपन घर में रहना मतलब बहुत मज़ा आता है इसमें माइनक्राफ्ट में। और ये लोग देख लो आप, इसे मैंने ज्वाइन करके रखा है। ऊपर ही ऊपर क्या है ये गाइस, एंडर चेस्ट पता नहीं कैसे खुल गया।
bed is too far away. गाइस आपको पता नहीं है मैंने कितने फास्ट में ये घर बनाया था, मतलब बहुत फास्ट में मैंने किया था काम इसका. और ये मुझे पता है इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि मैं अभी सर्वाइवल में हूँ, तो मतलब क्रिएटिव में खेल रहा हूँ. लग नहीं रहे थे ये मेरे से. रात होने को आई है. अरे गाइस आप लोग देख सकते हैं आज से आप लोग टेलीपोर्ट अगर आप लोग ये सब खेलते हो, रेन आती है, वेदर आती है, देखो रेन लाइन लगा दिया, देखो बारिश आएगा, रेनी वेदर आया है ना. ओके थंडर स्टॉर्म डाल देते हैं. देखो भैया गाइस ये थंडर स्टॉर्मी वेदर है यहाँ पर, मतलब कभी भी बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. और जो ये क्लियर वेदर डाल देता हूँ मैं इसमें, तो मैंने क्लियर वेदर पहले मुझे जाना पड़ेगा डे करने में. ओके डे मैंने कर दिया है. ओके डे तो हो चुका है गाइस. उसके साथ में वेदर को गाइस बार बार मैं डे कर रहा हूँ पता नहीं क्यों, पर जो वेदर है ना उसे मुझे कर देना है क्लियर. देख लो गाइस क्लियर हो जाएगा अभी थोड़े टाइम में, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है. देख लो. और गाइस थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. जैसे ही थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन का हो जाता है मैं वापस वीडियो में आ जाऊँगा. सो गाइस आप लोग देख लो यहाँ पर ऊपर का जो भी काम था वो मैंने कर दिया है, और बाकी का जो आगे का काम है वो भी मैं कर लूँगा. इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को मैं तब तक पॉज कर देता हूँ. और गाइस देखो ये आपको बता देता हूँ मैं, ये लोग हैं ना वो ज़ॉम्बी, और हम लोग इन ज़ॉम्बी को है ना क्रिएटिव मोड में नहीं बल्कि हम लोग इन्हें सर्वाइवल में, देखो गाइस मैं इन्हें कैसे बीट करता हूँ. ओके आजा ऊपर. ओके 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 और कौन है, और कौन इधर भाई, सामने आके वार करो, सामने आके. ओके पीछे से मत वार करो. और गाइस जो ये शिप है ना वो शिप को मैं देखिए गाइस इसका वूल भी मिल जाता है कुछ तो. और देखो ओ नाइ गाइस आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग. ओ नहीं गाइस एक बार की ये ख़त्म हो चुकी है और मुझे पता नहीं था ऐसा क्यों हुआ. और अब अगर मुझे सुरक्षित रहना है, वापस घर जाना है, तो मुझे देखो गाइस देखो ये ज़ॉम्बी कैसे अब पानी में पड़े हुए है. छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, हाँ पहले ही बोलता हूँ. अबे विलेजर तू जो पानी में क्या कर रहे हैं, ये ले गाइस जी अगर ऐसे कांड करेगा पानी में जाके तो वही करना पड़ेगा ना. और तो ऊपर जाता हूँ. ओपी गाइस एकदम बहुत अच्छा हो चुका है. आजा 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 ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा. ओके देख लो 24 मिनट का गाइस है. ज़्यादा से ज़्यादा मैं एपिसोड को ज़्यादा नहीं खींचूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर देता. सो गाइस देख लो हमने देखे थोड़ा सा इसका काम कर दिया है और मैं इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा गाइस 26 मिनट तक लेके जाऊँगा, उसके आगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो गाइस काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये वीडियो इतना लंबा नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग भी गाइस बोर हो सकते हैं इस वीडियो में, मतलब हो ही रहे होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो. पर ये गाइस वीडियो है रिदेश गेमिंग वर्ल्ड का, आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा. हाँ और गाइस आज के लिए बस हम लोग इतना ही काम करते हैं. नीचे आपको थोड़ा सा सीन जो है वो दिखा देता हूँ. पहले हम लोग जाके कर लेंगे वापस सर्वाइवल सर्वाइवल और बस उसके आगे कुछ नहीं. बस गाइस आता मैं इसी तरह थोड़ा टाइम थाम तो.
चलो हटो बाजू को। हाँ और गाइस आप लोग देख सकते हो नीचे जाके जो हमारा नीचे का अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल है। और गाइस मैं इसमें और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगा। माइनक्राफ्ट गाइस ये पार्ट वन है, माइनक्राफ्ट पार्ट टू में आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हम लोग सर्वाइवल में गाइस मैं हर बार सर्वाइवल में खेलता हूँ, बट जो मुझे ऊपर जाके लगाना पड़ा था ना गाइस वो ब्लॉक एकेशिया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था। और कोई बात नहीं अभी। और देख लो गाइस 20 लेवल पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और बस गाइस यहाँ पर जाते हैं बेड पर सीधा। You may not rest now. There are monsters nearby. You may not rest now. There are monsters nearby. और घूम रहे और मैं कुछ भी ना करूँ। सो गाइस अभी थोड़ा मुझको जाते हैं, देखता हूँ क्या होता है। ओके तो देखिए गाइस हम लोग सो गए और यहाँ पर गाइस होगा वीडियो का एंड। और ये गाइस ये हाइंग हाइंग करते हैं ना, मतलब बहुत थोड़ा डर लगने लगता है। हाइंग हाइंग क्यों करते हैं पता नहीं। ये गाइस तो बस आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई शुरुआत में और एक नए जोश में। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है माइनक्राफ्ट का पार्ट वन, अगर आपको गाइस पार्ट टू चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इस चैनल को यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइस आप लोग देख सकते हो जो मेरी खुद की गाइस जो इन्वेंटरी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ पर कैसे दिखाऊँ। क्राफ्टिंग में नहीं चाहिए ना मुझे, क्राफ्टिंग नहीं चाहिए। हाँ ये देखो पूरा गाइस मैंने खुद को डायमंड का बना लिया है, डायमंड के पूरा आर्मर है मेरे पास। और बस आज के लिए इतना ही। और गाइस इस बार लास्ट टाइम, टाटा बाय बाय, अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो में। और गाइस पूरे 27 मिनट पूरे होंगे जैसे ही वीडियो बन हो जाएगा, पर देखिए 27.3 सेकेंड हो चुके हैं और जैसे ही 27.10 सेकेंड हो जाएंगे इस वीडियो में। सो गाइस फाइनली बाय।